हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके सामने कोरमा पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। कोरमा पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा किलो बासमती राइस लिया है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। इसको अच्छे से धो लेंगे और 20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। ऐसा करने से चावल जो हैं बहुत खिले खिले बनते हैं। हमेशा बासमती राइस को आप 15-20 मिनट पहले पकाने से पहले भिगो लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है बकरे का, जो बहुत अच्छे से धो लिया है। और पुलाव बनाने के लिए आप हमेशा चिकना ही गोश्त यूज़ करिएगा, रूखे गोश्त का पुलाव इतना अच्छा नहीं बनता है। अब यहाँ पर 4 मीडियम स्लाइस की प्याज ले लिए। अब इसके अंदर हम कुछ खड़े गर्म मसाले ऐड करेंगे, जो 15-16 इलायची है, 25 काली मिर्च हैं, 20 लौंगे हैं, 2-3 इंच दालचीनी के टुकड़े हैं, 5 बड़ी इलायची है और थोड़ा सा जावित्री है। 4 से 5 हमने तेज़पत्ता भी ले लिया है और 250 ग्राम दही का भी यूज़ करेंगे। अब हमको क्या करना है कि एक कुकर ले लिया और उसमें 1 कप ऑयल या घी डाल देंगे। अगर देसी घी लें तो उसमें ज़्यादा अच्छा पुलाव बनता है। अब इसके अंदर मैंने अपनी कटी हुई प्याज डाल दी। अब इसको लाल कर लेंगे। देखिए इस तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए हमारी प्याज कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें से हम आधी प्याज को अलग निकाल कर रख लेंगे और आधी प्याज में हम गोश्त को ऐड कर लेंगे। कि देखिए इसको निकाल कर अलग रख लेंगे। अब इस गोश्त को आधी प्याज में ऐड कर लिया और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से और अच्छे से मिला लेंगे और भून लेंगे इसको। अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो सारे खड़े गरम मसाले थे उसको भी ऐड कर देंगे। तेज पत्ता भी डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से अब इसके अंदर हम 250 ग्राम दही भी ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, आप कभी भी इसको बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 200 या 250 ml के करीब, और प्रेशर लगा देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में जो बकरे का मटन है वो गल जाता है। पंद्रह मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए हम लोग का गोश्त जो है गल चुका है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम चावल जो हमने भिगोए हुए थे वो ऐड कर देंगे। ये इस तरह से सारे चावल ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसको 2 मिनट तक भून लीजिएगा तो इससे चावल है और भी अच्छे बनते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसमें पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, तो इसमें मैंने 750 ml के करीब पानी को ऐड कर दिया है और इसमें 4-5 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा और अच्छे से मिला लीजिएगा। अब इसमें हम प्रेशर लगाएंगे
दो सीटी के आने के बाद हम जो गैस की फ्लेम है उसको लो कर देंगे और 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर पुलाव को पकाएंगे। 3 मिनट के बाद हमने अपने प्रेशर को खोल दिया। याद रखिए, इसमें सारा प्रेशर अपने आप ही रिड्यूस होने दीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा पुलाव बन के तैयार हुआ है और चावल भी हमारे कितने खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं है। इस तरह से आप जो ये मटन पुलाव है उसको बहुत ही अच्छे से कुकर में बना सकते हैं। अगर कोई मेहमान आए तो आप समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम पुलाव बनाएं, तो इस तरह से झटपट से आप पुलाव तैयार कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसको सर्व करिए रायते के साथ या चटनी के साथ। और इसको सर्व करने से पहले जो मैंने प्याज आधी निकाली थी लाल करके, उसको भी ऐड कर दीजिए गार्निशिंग के लिए। ये देखिए हमारा कोरमा पुलाव तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।